Hello student, today we discuss about the most important topic for student of class 11, 12th and IIT function. आज हम लोग 11, 12th और IIT student के लिए एक बहुत important topic function के बारे में बात करेंगे. देखिए math में function एक toughest topic माना जाता है, लेकिन हमारा दावा है कि अगर आप regular class attend करते हैं, सभी lecture को देखते हैं, तो function को लेकर के बहुत confident होंगे. ठीक है, अगली बात देखिए, ये फंक्शन को पढ़ने के पहले आपको रिलेशन की नॉलेज होनी चाहिए. तो पहले आप हमारे सभी वीडियोस रिलेशन पर आप देख लीजिए, रिलेशन अगर क्लियर है तो फिर फंक्शन आप बहुत इजीली समझ पाएंगे. ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं. तो देखिए क्या कहा गया, अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन. देखिए कोई रिलेशन ए टू बी है तो उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे. कब कहेंगे, इफ फॉर एवरी एक्स एलिमेंट ऑफ ए There exists unique y element of b such that एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ. मतलब क्या, जितने भी a के मेम्बर हैं उनका b के यूनिक मेम्बर से पेयर होना चाहिए. मतलब हर x का b के यूनिक y से, मतलब हर x के लिए एक यूनिक y b में एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके साथ वह पेयर बना सके. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल समझते हैं. देखिए एक सेट a है, दूसरा b है और एफ वन एक रिलेशन है, वन का पेयर फोर से, टू का फाइव से. मतलब एफ वन में क्या है, वन फोर और टू फाइव. तो क्या हम पूछते हैं अगर कि ए के सभी मेंबर इंगेज्ड हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं. क्यों नहीं भाई, कि थ्री का तो पेयर नहीं बन रहा है. इसका मतलब है कि ए के सभी मेंबर इंगेज नहीं हैं, इसलिए एफ वन जो है एक फंक्शन नहीं है फ्रॉम ए टू बी. क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ए के सभी मेंबर इंगेज नहीं हो पाए. ठीक है, एफ टू में देखते हैं. देखिए ए है, बी है, अब हम पूछते हैं कि क्या ए के सभी मेंबर इंगेज्ड हैं, तो आप कहेंगे हाँ डेफिनेटली हैं. अब हम पूछते हैं कि वन का पेयर किससे है, फोर से, क्या यूनिक है या फोर, कहें हाँ वन का एक ही फोर से ही है. टू का पेयर किससे है, तो आपका आंसर आ जाएगा फाइव और सिक्स. मतलब यूनिक आंसर नहीं है ना, टू का पेयर दो दो से हो गया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिक नंबर से पेयर होना चाहिए. इसका मतलब है कि यह टू की वजह से यह जो फंक्शन रिलेशन लिखा गया है, कौन सा, वन फोर टू फाइव टू सिक्स थ्री फाइव, यह टू की वजह से यह फंक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि टू की यहाँ पर यूनिक इमेज नहीं है बल्कि दो दो इमेज है. ठीक है, अब तीसरे में देखते हैं, क्या ए के सभी मेंबर इंगेज्ड हैं, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल इंगेज्ड हैं. क्या यूनिकली इंगेज्ड है, वन का फोर से, ठीक है, टू का फाइव से. क्या टू का और कोई आंसर, नहीं, टू का फाइव से, थ्री का फाइव से, मतलब सभी इंगेज्ड हैं और यूनिकली इंगेज्ड हैं. यह ध्यान रखिए किसी का पेयर दो दो तीन तीन से नहीं होना चाहिए. हाँ ऐसा हो सकता है दो का तीन का पेयर सिंगल से हो, लेकिन यूनिकनेस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए. जैसे अगर हम पूछें कि टू की इमेज क्या है, तो एक आंसर मिलना चाहिए फाइव. तो इसका मतलब है कि यह जो है फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी. अब उसके बाद देखिए दो, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके अपनी बात को समझाते हैं, आपको समझिए. ऐसे एक सेट है मेल पर्सन का ए, और एक सेट बी है फीमेल पर्सन का. ए में सभी मेल पर्सन हैं और बी में सभी फीमेल पर्सन हैं जो अभी हैं या 100-200 साल के अंदर डेथ कर गई हैं उनका, मतलब सबका नेम लिस्ट में है. और एक रिलेशन डिफाइंड है सन एंड मदर का. तो देखिए ए में अगर सभी मेल पर्सन हैं, तो ये ध्यान देंगे कि सभी मेल पर्सन का किसी फीमेल से पेयर होगा ही होगा, क्योंकि हर मेल पर्सन की मदर होती ही हैं. मतलब हर मेल पर्सन ए का हर मेंबर इंगेज्ड है. दूसरा पॉइंट आप ये देखिए, हर मेल पर्सन का एक यूनिक मदर होगी ना, कि ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि एक मदर मेल पर्सन है उसकी दो दो तीन तीन मदर हो जाए, नहीं ना, यूनिकनेस तो होगी. ठीक है, हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि दो दो तीन तीन मेल पर्सन की सिंगल मदर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है एक मेल पर्सन की कई मदर हों. इसका मतलब है कि एक के जितने भी मेंबर हैं, मतलब जितने भी मेल हैं, सबकी यूनिक इमेज है बी में. इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो रिलेशन है सन एंड मदर का, यह फंक्शन है. अब देखिए यहीं पर एक और रिलेशन देखते हैं. ये जो है मेल पर्सन का सेट है, बी फीमेल पर्सन का सेट है. एक रिलेशन डिफाइंड है हस्बैंड एंड वाइफ. तो आप ये देखेंगे कि एक के जो मेल पर्सन है सभी की शादियाँ हुई हों ऐसा जरूरी नहीं है. बहुत से मेल पर्सन अनमेरिड रहते हैं. इसका मतलब एक के सभी मेंबर इंगेज नहीं है, और इसलिए यह जो रिलेशन है हस्बैंड एंड वाइफ का, यह फंक्शन नहीं है. ठीक है, ऐसा भी आप देख सकते हैं कि बहुत से मेल पर्सन की दो दो तीन तीन शादियाँ हुई रहती हैं, बहुत सी कंट्री अलाउ करती हैं. इसका मतलब इस वजह से भी यह जो रिलेशन है हस्बैंड एंड वाइफ का, यह फंक्शन नहीं है. अब कुछ टेक्निकल बातें देख लेते हैं. देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ,
can be written as fx is equal to y and read as image of x under f is y. मतलब देखिए अगर हम यह कह रहे हैं कि 1 4 belongs to f, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते इमेज ऑफ 1 is 4, मतलब 1 4 बिलोंग्स टू एफ लिखा है, इसको एफ 1 = 4 भी लिख सकते हैं. और क्या पढ़ेंगे, इमेज ऑफ 1 is 4. अब यहाँ देखिए 2 5 है ना, तो इसको आप 2 5 बिलोंग्स टू एफ कहिए या कहिए इमेज ऑफ 2 is 5. तो देखिए 2 किसका मेंबर है, ए का. 5 किसका मेंबर है, बी का. एफ 2 किसका मेंबर है, एफ 2 5 को ही एफ 2 करें, जैसे 4 को ही हम लोग इमेज ऑफ 1 करें, तो आप 4 को 4 कहिए या एफ 1 कहिए. तो यही कहा गया कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ है तो इसको आप ऐसे कह सकते इमेज ऑफ एक्स इज वाई, और लिखें कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई. मतलब क्या कहेंगे, इमेज ऑफ एक्स इज वाई. ठीक है, यह तो नोटेशन हो गया. दूसरी बात देखिए, रिलेशन में डोमेन आप पढ़ चुके हैं, तो ठीक फंक्शन भी रिलेशन है, तो डोमेन क्या होगा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं एफ में उनका एक्स निकाल लीजिए, डोमेन हो जाएगा. जैसे 1 4 है, 1 निकाल लीजिए, 2 5 है, 2 निकाल लीजिए, 3 5 है, 3 निकाल लीजिए. तो 1 2 3 जो है उसको कहेंगे डोमेन, और डेफिनेटली वह पहला सेट ए ही होगा क्योंकि उसके सभी मेंबर पेयर बना रहे हैं ना, तो पूरा का पूरा ए डोमेन. ठीक, अब उसके बाद देखिए, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर एफ में हैं उनका वाई निकाल लीजिए, मतलब सेकेंड कंपोनेंट. 1 4 है तो 4, 2 5 है तो 5, 3 5 है तो 5, मतलब 4 5, और इसको हम लोग कहेंगे फंक्शन का रेंज, जस्ट लाइक रिलेशन. अब हम लोग कोडोमेन क्या होता है, तो जो कि जो सेकेंड पार्ट होगा उसको पूरे को हम लोग कहेंगे कोडोमेन ऑफ फंक्शन. तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज, यह बिल्कुल वैसे ही फॉलो होगा जैसे रिलेशन में. इसका रीजन क्या है कि कोई भी फंक्शन पहले रिलेशन है, रिलेशन में अगर कुछ क्वालिटीज़ ऐड हो जाती हैं, वो क्वालिटीज़ क्या हैं, पहली क्वालिटी क्या है, ए के सभी मेम्बर इंगेज्ड हों, दूसरी क्या है, यूनिकली इंगेज्ड हों. अगर यह क्वालिटी किसी रिलेशन में है तो उस रिलेशन को हम लोग कहेंगे फंक्शन. देखिए रिलेशन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, फंक्शन भी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है. रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होता है, फंक्शन भी फ्रॉम ए टू बी होता है. बाकी और ये देखिए कि अगर हम बार बार लिखेंगे या फंक्शन या फ्रॉम ए टू बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ सच दैट ए टू बी, मतलब यहाँ पे जो लिखा रहेगा वह ए डोमेन होगा या रहेगा कोडोमेन. अब देखिए फंक्शन को हम लोग कई और नेम से जानते हैं, इसको मैपिंग भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है, हिंदी में फलन भी कहा जाता है, और प्रतिचित्रण भी कहा जाता है. तो अभी हम लोग डेफिनेशन देखें कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस के टर्म्स क्या होते हैं, फंक्शन को कैसे लिख पाते हैं. अब हम लोग इसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे जो सेट बिल्डअप फॉर्म में होगा. इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, और एक एफ एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, और डिफाइन कैसे है, एफ इज इक्वल टू सेट में एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई एलिमेंट ऑफ बी. तो देखिए जो रिलेशन लिखा गया है उसको आपको पहले कहा गया कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो ठीक है लिखते हैं. देखिए आप यहाँ पर 1 रखेंगे ना, 2 आएगा है 1 2, 2 रखेंगे 3 आएगा है, ठीक है, 3 रखेंगे 4 आएगा है, ठीक है, 4 रखेंगे 5 आएगा जो कि है, और 5 रखेंगे 6 आएगा है. इसको आप एरो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिए, 1 का पेयर 2 से, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5 और 5 का 6. अब आप यहाँ पे इसको पूछा गया कि क्या यह रिलेशन फंक्शन है, तो देखेंगे क्या ये के सभी मेंबर इंगेज्ड हैं, तो डेफिनेटली ये के सभी मेंबर इंगेज्ड हैं. क्या यूनिकली इंगेज्ड हैं, क्या सबका पेयर यूनिक से है, क्या ऐसा तो नहीं है कि एक एक का दो दो से है, तो देख रहे नहीं बिल्कुल यूनिक पेयर है सबका. इसका मतलब है कि यह जो रिलेशन है यह रिलेशन क्या है, फंक्शन. अब उसके बाद देखिए फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, मतलब क्यों, क्योंकि यह फंक्शन की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है. अब देखिए डोमेन पूछा गया, तो डोमेन क्या, जो जो पेयर बना पाए हैं, मतलब ए के जो मेंबर पेयर बना पाए हैं वह डोमेन है, तो ए के सभी मेंबर पेयर बना पाए हैं, इसका मतलब है कि इसका जो डोमेन है वह क्या है, ए. ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं रेंज की, तो देखिए रेंज क्या है, किससे किससे पेयर बन रहा है, तो किससे बन रहा है, 2 3 4 5 6, तो यह हो गया रेंज, इस फंक्शन का रेंज. कोडोमेन क्या हो गया, तो भाई जो दूसरा पार्ट है, मतलब पूरा का पूरा जो बी है उसको हम लोग कहेंगे कोडोमेन. अब एक बात ध्यान दीजिए, फंक्शन को बार बार लिखना है तो इसको हम लोग इनफॉर्मल तरीके से शॉर्ट में लिखते हैं. जैसे देखिए अगर यह कहा जाए एक फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो आप इतने सेंटेंस को लिख देंगे एफ सच दैट ए टू बी, मतलब
फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, और जो यह फॉर्मेलिटीज की एक्स वाई है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स एक एलिमेंट है, वाई बी का, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। मतलब केवल जो रूल लिखते हैं बाकी चीज़ें अंडरस्टूड रहेंगी, या वाई न लिख करके आप लिख दीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। मतलब इतनी बातों को शॉर्ट में आप ऐसे एफ ए टू बी ऐसे लिख सकते हैं, जो ए होगा वह डोमेन होगा, सही है, बी कोडोमेन होगा, रेंज नहीं, रेंज निकालना होता है, और यह रूल होगा। तो इतनी बात को आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं अभी। देखिए फंक्शन वर्ड का मतलब होता है वर्क करने से, तो फंक्शन को और कई नाम से जानते हैं, मैपिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हिंदी में फलन या प्रतिचित्रण कहते हैं। फंक्शन मशीन की तरह वर्क करता है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि फंक्शन मशीन की तरह कैसे वर्क करता है। तो आप देख दीजिए एक सिस्टम हम बना रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए, आप अभी बात को अच्छी तरीके समझ पाएंगे। तो देखिए कोई भी मशीन अगर है तो वह किस सिस्टम पे काम करती है। देखिए कोई भी मशीन है, आप उसमें इनपुट प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट बन के निकलता है। जैसे यह फैन, फैन में आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट के तौर पे, और जो एनर्जी एयर निकल रही है वह प्रोडक्ट के फॉर्म में आउटपुट आ रहा है। तो फंक्शन में क्या होता है कि ए के मेम्बर्स वह इनपुट का काम करते हैं, और जो फंक्शन है उसका जो रूल है वह अप्लाई होता है, मतलब यह वर्क करेगा, और बी का प्रोडक्ट बन के निकलेगा। जैसे आप देखिए ए का प्रोडक्ट या ए का वन, एक इनपुट की तरह काम किया, ऑपरेट हुआ, टू बन के निकला, एंट्री किया वन, निकला क्या टू, देखिए वन एंट्री किया निकला टू, ऐसे टू एंट्री किया निकला थ्री, थ्री एंट्री किया निकला फोर। मतलब क्या ए के मेम्बर एज इनपुट हैं और बी के जो मेम्बर है आउटपुट हैं। तो यह फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है जो कि ए के मेंबर पे ऑपरेट होता है और प्रोडक्ट के तौर पे बी का मेंबर देता है। तो फंक्शन को आप एक मशीन की तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए आज हमने फंक्शन की डेफिनेशंस कितने पॉसिबल तरीके से लिख सकते हैं उन सभी बात को हम लोगों ने डिस्कस किया, रोस्टर फॉर्म, सेगुल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम, और उसके बाद यह मशीन की तरह कैसे बिहेव करता है, या डोमेन, कोडोमेन, रेंज, यह सब टर्म हम लोग डिस्कस किए। लेकिन एक बात देखिए, फंक्शन जो है अल्टीमेटली एक रिलेशन है। मतलब फंक्शन पहले रिलेशन है, इसका मतलब रिलेशन की हर बात को फॉलो करेगा। हाँ, हर रिलेशन फंक्शन हो जाएगा ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अब एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर आप फंक्शन को सीखना चाह रहे हैं तो यह डेफिनेशन जितनी आज मैंने बताई है या जितनी बातें बताई हैं वो एकदम नेचुरली आना चाहिए। और देखिए अभी आने वाले लेक्चर में हम लोग फंक्शन से रिलेटेड बहुत से टर्म, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, डोमेन, रेंज निकालना सीखेंगे, कुछ ऑपरेशन सीखेंगे। और आप इस रेगुलर इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, और फ्यूचर में हम बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है फंक्शन से या मदर के और मैथ के अदर टॉपिक से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसको कवर करें। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में,